दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में मेरे देखे होंगे कि मैंने जो कि अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में अपना फ़ोटो खुद का लगाया हूं या फिर अपनी गर्लफ्रेंड का लगाया हूं, तो दोस्तों इस प्रकार दोस्तों आप भी जो है कि अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में अपना फ़ोटो या फिर अपनी गर्लफ्रेंड का फ़ोटो या फिर अपने किसी भी फैमिली मेम्बर का फ़ोटो लगा कर किसी दोस्त को चौंका सकते हो, अपनी गर्लफ्रेंड को चौंका सकते हो। बहुत ही यूनिक और बहुत ही जेन्युइन एप्लीकेशन का रिव्यू लेकर आया हूं जो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है। करोड़ों लोगों ने उसको डाउनलोड किया है उस एप्लीकेशन का, तो कोई आपको दिक्कत नहीं है उस एप्लीकेशन में। तो चलिए दोस्तों, आप भी अगर जानना चाहते हैं और आप भी अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो है कि अपनी खुद का फ़ोटो बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखते रहिए। और दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पहले सबसे पहले लाइक कर दें और अपने किसी दोस्तों को शेयर कर दें, अपने गर्लफ्रेंड को शेयर कर दें, गर्लफ्रेंड भी खुश हो जाएगी आपकी। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कन्हैया मौर्य, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्टैंड अप इंडिया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लाइक वाले बटन पर क्लिक करके सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, यहाँ पर देख सकते हैं रेड कलर से सब्सक्राइब है, इसको जरूर दबा के क्लिक कर दें, सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल में। और बगल में ऐसी बिल्कुल छोटी सी घंटी होगी, इसको जरूर बजा दें। और उसके बाद नीचे आपको जाना दोस्तों, यहाँ पे अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो यहाँ पे नीचे जाना और आपको यहाँ पे एक कमेंट लिखना है। यहाँ पे आपको कमेंट क्या लिखना है, नाइस वीडियो या फिर नाइस लिख के यहाँ पे जो कि इसको सेंड कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो कि अगर इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पर टाइटल है, टाइटल पर क्लिक करके यहाँ पर टाइटल को क्लिक करके आप नीचे ऐप लिंक का ऑप्शन मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, मैंने इस एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है, वहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर वीडियो ध्यान से देख रहे होंगे तो मैंने बताया है कहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, तो इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। इस एप्लीकेशन को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा तभी अभी प्रॉपर ढंग से वर्क करेगा, नहीं तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसको आपको कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू विथ एड्स नीचे करना, अपग्रेड नाउ पे नहीं करना है, उसके नीचे लिखना कंटिन्यू विथ एड्स, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे सारे परमिशन को अलाउ करना है, तो यहाँ पे सेट पे एक एक करके आपको अलाउ करते जाना है सबको, तभी ये वर्क करेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरा है, तो यहाँ पर इसको भी हम अलाउ कर लेते हैं। यहाँ पर नीचे जाते हैं, नीचे जाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ देखिए अदर परमिशन, तो अदर परमिशन में आपको जाकर यहाँ पर देखिए डिस्प्ले पॉपअप विंडो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपको इस पर क्लिक करके इसको इनेबल कर देना है, यहाँ पे एक्सेप्ट कर देना है। आपके मोबाइल कुछ और हो सकता है, तो इसके बाद तीसरा को आपको यहाँ पे इसको भी अलाउ कर देना है, उसके बाद आपको यहाँ पे अलाउ कर देना है, उसके बाद लास्ट का जो है इसको भी आपको अलाउ कर देना है यहाँ पे क्लिक करके। इस प्रकार सारे परमिशन को अलाउ करने के बाद यहाँ पर नीचे वे का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए ओपन हो चुका है, यहाँ पे सारे आपके यहाँ पे देखिए डॉट को स्वाइप करना है, ऊपर आप इसको स्वाइप कर दीजिए। स्वाइप करने के बाद यहाँ पे सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट आ चुके हैं, यहाँ पे गॉट इट कर दीजिए। उसके बाद नीचे देखिए सेटिंग का ऑप्शन बना है कॉर्नर में राइट साइड नीचे की तरफ, वहाँ पर उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद वहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जाइए स्लाइड करिए, यहाँ पर देखिए थीम का एक ऑप्शन बना हुआ, आपको थीम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे थीम है, आप उनको यूज कर सकते हैं, लेकिन ये चार्जेबल है, इसलिए आप यहाँ पर अपना फोटो लगा सकते हैं। यहाँ पर ऐड फोटो क्लिक करिए, ऐड फोटो क्लिक करने के बाद यहाँ पर अप्लाई का एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे तो अप्लाई का ऑप्शन आकर के आपको ऐड फोटो पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ऐड फोटो क्लिक करने के बाद आप गैलरी में चले जाएंगे, तो यहाँ से गैलरी से एक फोटो उठा लिए, मैं यहाँ सपोज एक फोटो उठा लेता हूँ, यहाँ पे इसको राइट वाले बटन पे क्लिक कर देता हूँ। राइट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मैं जो कि बैक चलता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों फोटो यहाँ पे लग चुका है। यहाँ पे ओपन करता हूँ तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों बैकग्राउंड में फोटो लग चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार आप भी अपने मोबाइल में जो कि बैकग्राउंड में आप अपना खुद का फोटो या अपनी गर्लफ्रेंड का फोटो लगा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें एंड कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा। तो मिलते हैं नए फेस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।